पिक करेंगे आप? गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। पिक करूंगा मैं ग्रासिम, 2394 पर ट्रेड करा है ग्रासिम। स्टॉप मेरे ख्याल से होना चाहिए 2375 पर। टारगेट होगा 2425 टू 2450 ग्रासिम। टू थ्री नाइन फाइव पे ग्रासिम एक बाय ट्रेड है प्रकाश सर के यहाँ पर। ओके माना साहब का ट्रेड देखिए, मेरा ट्रेड एनटीपीसी होगा। एनटीपीसी लगातार 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन उसके साथ ही हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 355-356 की रेंज में। आज वो रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस 357 के लगाने हैं, लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट 370 रुपए तक के भी हो सकते हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 360 वाला कॉल ऑप्शन एनटीपीसी का ले सकते हैं। 9.75 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 6.90 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं और 15 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी एनटीपीसी में क्लियरली है, उसी पर फोकस। सचिदानंद, आपका ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा, मेरे ध्यान यहाँ पर बजाज ऑटो पे है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ऑटो में तेजी है, कल हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छी शानदार तेजी बन रही थी, टीवीएस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। बजाज ऑटो कहीं जाकर एक ब्रेकआउट जोन के आसपास ऑस्किलेट हो रहा है, सो 9140 के आसपास इसके फिलहाल फ्यूचर्स चल रहे हैं। जिस तरीके से ओपनिंग हुई है, मुझे लग रहा है 9105 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग पोजिशन यहाँ पर बिल्ड करने चाहिए। ऑन द हायर साइड इंट्राडे के लिहाज से एक अच्छी स्विंग बन सकती है, लगभग अराउंड 9270 तक की। पोजिशनली मुझे लग रहा है 9370 तक एक एक्सेलरेशन बन सकता है अगर ये लेवल निकल जाता है तो खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर में। बजाज ऑटो में तेजी की पोजीशन लेकर चले। आशीष बेहती, आपका ट्रेड? आप शायद म्यूट पर हैं आशीष। नहीं आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रशांत, आप बताइए क्विक सिंगल। जी अच्छा जी, मुझे फर्टिलाइजर स्पेस में काफी अच्छा अट्रैक्शन नजर आ रहा है, तो जीएनएफसी मुझे एक अच्छे बेस पे और अच्छे सपोर्ट पे नजर आ रहा है। 662 पे ट्रेड कर रहा है, 650-652 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। 650-652 यहाँ से टारगेट होगा 685 का। ओके, तो आपका ट्रेड हो गया यहाँ पे जीएनएफसी। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, पीएफसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, लेकिन नंबर से पहले काफी अच्छा सेटअप देख रहा है। 20 डे मार्क को अच्छे से रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है स्टॉक, तो 418 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो उसमें टारगेट्स निकल कर आ रहे वो 434 और 440 तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। इसे ऑप्शन के थ्रू भी प्रेफर करेंगे हम, सजेस्ट करना। 430 का जो कॉल है 16 रुपए के करीब चल रहा है, उसमें ही खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 12 रुपए का एसएल मेंटेन करे और इसमें 20 और 24 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, पीएफसी। राजेश सतपुत्र जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, मेरी नजर है टाटा केमिकल पे। मुझे लगता है आज यहाँ पे स्विंग दिख रहा है, मोमेंटम आ रहा है, तो एक कंसोलिडेशन के बाद का मूव मुझे लगता है कि यहाँ पे मिलना चाहिए। एक रिलीफ रैली प्ले होगा। 1080 के आसपास टाटा केमिकल यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1065, छोटा स्टॉप लॉस रखे। और स्विंग का इसका टारगेट होना चाहिए 1110 से 1120 का। टाटा केमिकल के आपके ट्रेड में खूबी है, थ्रस्ट जनरेट कर रहा है ये। और एक चीज याद रखिएगा, टाटा केमिकल में एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा चार्ट को स्किप की जगह हल्का सा स्क्रीन पे एक बार ये ऑलमोस्ट अपनी, अगर मैं 7 मार्च 2024 के हाई को कंसिडर करूँ 1351 रुपये के और इस प्राइस को कंसिडर करूँ 1081 के, तो लगभग मार्च अप्रैल मई के ये 3 महीने के सीरीज की स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल बाइसेक्ट होती हुई। और अभी अभी राजेश जी के बोलते बोलते इसने 50 डे मार्क क्रॉस किया। उसकी अहमियत क्या है? वो क्रॉस नहीं हुआ था 7, 8, 9 मार्च को और अब बात करते करते 1083। मैं इसका बखान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजेश जी ने जो ट्रेड पकड़ा था ना, बड़े क्रिटिकल पॉइंट पर पकड़ा था। बहुत अच्छी स्पॉटिंग थी आपकी यहाँ पर राजेश जी। टाटा केमिकल बाय और 1083 तो बात करते करते हो गया यहाँ पर, इसे कहते हैं मौके पर चौका। ट्रेड्स पूरे हुए यहाँ पर, अब थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं और क्या क्या अच्छा कर रहा है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आज पीएनबी एक स्विंग लेता हुआ 1.5% ऊपर। सचिन, पीएनबी को देखिएगा, ये भी लोअर क्लस्टर से बाहर निकलता हुआ मेरे ख्याल से पिछले 5 सेशन की जो चैनल थी उसको हाई को काटता हुआ इस वक्त। वीरेंद्र जी, प्राइस एक्शन थोड़ी म्यूटेड रही है, बट आई थिंक यहाँ पर क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, लगभग अराउंड
128 से लेके 130 में काफी सारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स है, तो मुझे लग रहा है ये क्लियर होने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम ड्यूरेबल होगा। फिलहाल तो यहाँ पर इमीडिएटली मोमेंटम चेस करने की सलाह नहीं होगी। ओके, तो पंजाब बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।